बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इरशाद हुसैन हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नाज़रीन, इसहाक डार ने बरतानिया से पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को एक खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि वो साल 2018 में पाकिस्तान में सेनेटर मुंतखब हुए थे लेकिन उनका हल्फ नहीं लिया गया था। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिविल पिटीशन दायर की गई थी जो कि अब खारिज हो चुकी है और मेरा जो नोटिफिकेशन मंसूख था वो इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है और मैं सेनेट की सीट पर विराजमान हूँ। उन्होंने आईन के आर्टिकल 255 की शिक 2 के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन सेनेट से इस्तदा की कि जनाबे वाला, आप खुद वीडियो लिंक के जरिए मेरा हल्फ लें या फिर बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी सफीर या किसी और शख्सियत से मेरा हल्फ लिया जाए ताकि मैं सेनेट में अपना किरदार अदा कर सकूं। इस हाक डार का यह खत चेयरमैन सेनेट को बदरिया ईमेल मिला है और उन्होंने उसमें वजह लिखी है क्योंकि वो बीमार हैं और जेर इलाज हैं। उन्होंने अपने डॉक्टर की ताजा तरीन बीमारी की रिपोर्ट भी बदरिया ईमेल सादिक संजरानी को भेजी है। इस हाकडार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर खजाना हैं, जिन्हें इस हाकडार की बजाय इस हाक डॉलर के नाम से पुकारा जाता था और उस वक्त उनका मजाक उड़ाया जाता था कि डॉलर 100 रुपए को क्रॉस कर गया है और 100 रुपए को क्रॉस करने की वजह से उनका नाम तंजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इस हाक डार की बजाय इस हाक डॉलर बोला जाता था। लेकिन जब डॉलर 100 रुपए से तजावुज कर गया तो इस हाक डार ने कहा कि मैं इस डॉलर को 100 रुपए पे वापस लाऊंगा और फिर वो उस डॉलर को 100 रुपए पर वापस लाए। न सिर्फ वापस लाए बल्कि जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही उन्होंने उसको वहीं पर मुस्तहकम रखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो गई और वो लोग हुकूमत में आ गए जो इस हाक डार को इस हाक डॉलर कहा करते थे और फिर डॉलर ने वो परवाज पकड़ी कि वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा और 180 रुपए को क्रॉस कर गया। इस वक्त भी डॉलर की जो कीमत है वो 175 रुपए है लेकिन इस वक्त इस हाक डॉलर जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर इस हाक डार होता तो ये पोजीशन ना होती और पुराना पाकिस्तान होता तो लोग इस तरह जलील ख्वार ना हो रहे थे, ये महंगाई ना होती और मुल्क में ये सूरत हाल ना होती, बेरोजगारी का ये आलम ना होता और गुर्बत इस तरह ना होती। वो जो कहते थे कि मुल्क के नाम पर कर्जे लेकर खा गए और उन्होंने इस कदर रिकॉर्ड कर्जे लिए कि पाकिस्तान का पिछला जितना दौरानिया है उस सबसे बढ़कर इन 3 सालों में कर्जे लिए गए। कर्जे कहां वापस किए, किसको वापस किए, कितने वापस किए, आम आदमी को कोई पता नहीं। लेकिन मुल्क की सूरत हाल यह है कि डॉलर 175 रुपए पर आज भी मौजूद है और इसहाक डार पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उसी इसहाक डार ने चेयरमैन सादिक संजरानी को यह खत लिखा है कि उसका बजरिया वीडियो लिंक या फिर बरतानिया में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए उनका हल्फ लिया जाए ताकि वो सेनेट में अपना रोल प्ले कर सकें। नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेकी पाक।